अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विथ हार्ट में। आज हम बना रहे हैं गोंद ड्राई फ्रूट्स। गोंद ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्थी रहते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सभी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। ये सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल और ट्रेडिशनल रेसिपी है। इससे सर्दियों में कोई भी बीमारी नहीं होती है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहती है। आप चाहें तो गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बना सकती हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो देखते हैं यम्मी गोंद और ड्राई फ्रूट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। गोंद ड्राई फ्रूट बनाने के लिए देखिए, ये मैंने खोपरा लिया है, यानी कि नारियल, सूखा हुआ नारियल लिया है। इसका मैंने कद्दूकस करके यहाँ रखा है। करीब 400 ग्राम नारियल लिया है मैंने। इसी के साथ मैंने देसी घी लिया है, यानी कि क्लेरिफाइड बटर, ये मैंने 400 ग्राम लिया है। इसी के साथ देखिए, ये मैंने बादाम ली है, यानी कि आलमंड्स, ये मैंने 100 ग्राम ली है। ये मैंने 100 ग्राम खारक ली है, यानी कि ड्राई डेट्स। इसको देखिए, मैंने ऐसे मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है हमने इसका। ये मैंने 100 ग्राम गोंध लिया है, ये मैंने धावड़े का गोंध लिया है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गोंध आता है ये। इसी के साथ देखिए, मैंने ये 100 ग्राम रेसिन्स यानी कि किशमिश ली है। 100 ग्राम मैंने कैश्यू नट्स यानी कि काजू लिए हैं। ये मैंने 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस ली है। ये देखिए, मैंने 4 हरी इलायची का पाउडर बना लिया है। हम थोड़ी सी हल्दी यूज करेंगे, 1 छोटे चम्मच के करीब। करीब 1 बड़ा चम्मच हम चिरौंजी यानी कि चारोली लेंगे। 100 ग्राम हम मखाने यूज करेंगे। इसको मैंने 2 पीसेस में ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, मैंने 200 ग्राम शक्कर का पाउडर बना लिया है। आप शक्कर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, आपके घर में जैसा पसंद करें। आइए हम बनाना शुरू करते हैं यम्मी गोंद ड्राई फ्रूट। गोंद ड्राई फ्रूट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। इसको मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर देते हैं। इस कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। हम इसको देसी घी में बना रहे हैं, इसलिए हमको इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। देखिए, कढ़ाई बस थोड़ी गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर देसी घी डाल देते हैं। करीब 7 बड़े चम्मच देसी घी हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा देसी घी हम अलग अलग प्रोसेस में यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले इसके अंदर 7 बड़े चम्मच देसी घी डाल के इसको गर्म होने देंगे। देखिए, घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। जो हमने गोंद लिया था वो आधा गोंद हम इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेते हैं। आधा गोंद हम बाद में फ्राई करेंगे। घी हमको थोड़ा तेज़ गर्म करना है ताकि हमारा गोंद अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और जब हम इसको फोड़ें तो ये बहुत ही आसानी से फूट जाए। कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। करीब 1 मिनट के अंदर ही हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देखिए, हमारा गोंद बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस से जो हमारा बचा हुआ गोंद है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए, हमने पूरे गोंद को फ्राई कर लिया है। हम इसको इसे चम्मच से फोड़ लेते हैं। बहुत ही आसानी से फूट रहा है ये, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छा फ्राई किया है। देखिए, हमने पूरा गोंद फोड़ लिया है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। जिस पैन के अंदर हमने गोंद फ्राई किया था उसी के अंदर हम ये मखाने भी डाल के फ्राई कर लेते हैं। हमारा घी ऑलरेडी गर्म है, हमको बहुत गर्म घी नहीं करना है। हम इसी घी के अंदर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 2 चम्मच घी हम इसके अंदर बढ़ाएंगे क्योंकि घी हमारा बहुत कम हो गया है। अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा घी हम बढ़ा देते हैं 2 चम्मच के करीब। देखिए, हमने पूरे मखानों को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। देखिए, अब उसी पैन के अंदर हम घी डालेंगे। हमें ज़्यादा घी यूज़ करना है, इसलिए मैं बड़े चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। हम करीब 3 से 4 चम्मच ये घी डालेंगे।
देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है, हमको अभी बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं करना है, थोड़ा कम ही गर्म करना है। देखिए बहुत अच्छे से बस ये मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे वन बाय वन करके सभी ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को। सबसे पहले हम कैश्यू नट्स यानी कि काजू को फ्राई करेंगे। इसको हम अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमने पूरे काजू को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम सेम इसी प्रोसेस से बादाम को भी फ्राई कर लेते हैं। उसी घी के अंदर हम बादाम को फ्राई करेंगे। देखिए ये देखिए हमने पूरे बादाम को फ्राई करके निकाल लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देखिए हमने एक थाली ली है, इसके अंदर जो हमने खोपरा लिया था घिसा हुआ नारियल ये ऐड करेंगे। आप चाहें तो सभी इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्ट कढ़ाई में भी मिला सकती हैं, पर ये बहुत ही इजी मेथड है कि हम पहले सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लें। मोटी पीसी हुई खारक ऐड करेंगे, आप कटी हुई खारक भी यूज कर सकते हैं इसमें। रेसिन्स यानी कि किशमिश ऐड करी है हमने, चारोली जो हमने मखाने फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। काजू और बादाम जो हमने अभी फ्राई करके निकाले हैं वो ऐड करेंगे। एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। गोंद ऐड करेंगे जो हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, हम हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस ऑन कर देते हैं और इस घी को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। ये हल्दी पाउडर हम कलर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और ये गर्म रहती है इसलिए भी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं घी में। इसको हम बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाए हल्दी से। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही इजी मेथड है ये, अगर हम इसको एक एक करके इस कढ़ाई के अंदर ही मिक्स करते तो हमें बहुत मेहनत लगती। हमने इसको अलग ही मिक्स कर लिया था तो बहुत ही आसानी से अभी ये मिक्स हो जाएगा। हमको बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करने की भी अब ज़रूरत नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे से हल्दी में मिक्स कर देते हैं। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये मिक्स हो गया है अच्छे से हल्दी में। अब हम इसके अंदर जो हमने शक्कर ली थी, शक्कर पाउडर, वो डाल देते हैं। शक्कर की मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसको आप टेस्ट भी करके देख सकती हैं, अगर आपको फीका लगे तो आप थोड़ा सा और डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, खसखस ऐड करेंगे, इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमारा टेस्टी गोंड ड्राई फ्रूट बनके तैयार है। देखिए हमने इसको सर्व कर दिया है। मैंने इसको थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही इजीली बन जाता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विंटर सीजन चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है विंटर सीजन की। ये चीज़ें विंटर सीजन्स में खाई जाती है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर
करीब 15 दिन तक स्टोर कर सकती हैं। ये 15 दिन तक रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होगा। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।